वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन कोर्स में। आपका चैनल मोनेटाइज कब होगा, यूट्यूब मोनेटाइजेशन, इसको लेकर के आज सब में एक उथल पुथल मची हुई है। आज मैं आपको पांच ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसके बाद आपका चैनल बहुत जल्द ही मोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि चैनल यूट्यूब चैनल के लिए यूट्यूब ने बहुत सारे नियम निकाले हैं, रूल्स रेगुलेशन हैं और उनकी पॉलिसीज हैं। अगर उसको हम फॉलो नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होगा। और एक यूट्यूबर के लिए, जब यूट्यूब पे आप काम करते हैं तो आप ये चाहते हैं कि हम इससे अर्न करें, इससे पैसे कमाएं, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हमारे पास आती रहती हैं। जब से 2017-18 में यूट्यूब ने अपने नए रूल्स रेगुलेशन को लॉन्च किया है तो बहुत ज़्यादा लोग यूट्यूब को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन वे लोग आज भी बने हुए हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं और निश्चित रूप से वह बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। आप भी पैसे कमा सकते हैं। यूट्यूब ने 3 क्राइटेरिया निर्धारित किया। पहला, फर्स्ट रिव्यू करेगा वह यूट्यूब करेगा, सेकेंड रिव्यू पायलट करेगा, तब जाकर के मोनेटाइजेशन ऑन होगा, फिर आप पैसे कमा सकते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप वह टारगेट पूरा करने के बाद 4000 वाच घंटे भी आपने पूरे कर लिए, 1000 सब्सक्राइबर्स भी आपने पूरे कर लिए, फिर भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, उसमें क्या कमियां हैं, उस चीज़ को जान लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आप काम करें, निश्चित रूप से आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मैं लाइव भी आपको उसको दिखाऊंगा, पूरा उसको एग्जाम्पल के तहत दिखाऊंगा कैसे क्या हो रहा है। आपका चैनल मोनेटाइज कब होगा, इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट जो है यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो क्या क्या करना है। पहला, खुद का कंटेंट बनाए। कोई भी ऐसा कंटेंट जो किसी और का हो उसे कभी इस्तेमाल ना करें। ये गलती बहुत से लोग कर रहे हैं जिसके वजह से उनका वॉच टाइम भी पूरा हो गया है, सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो गए हैं, लेकिन पायलट जा करके उसे रोक दे रहा है, उसको मोनेटाइज नहीं कर रहा है, वो सेकेंड रिव्यू में चला जा रहा है। कभी भी किसी दूसरे के चैनल पर अपने चैनल का लिंक बार बार पेस्ट ना करें। अक्सर क्या होता है कि सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए और व्यूज़ बढ़ाने के लिए लोग गलतियाँ कर बैठते हैं कि हम कोई किसी का पॉपुलर चैनल चल रहा है, चलो उसके कमेंट बॉक्स में हम खूब अपना नंबर लिख देंगे, हम उनसे बोलेंगे कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब चीज़ मत करिए क्योंकि यह स्पैमिंग में आता है, पायलट इसे इग्नोर कभी नहीं करेगा और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। वीडियो में आपका फेस और आपकी ओरिजिनल आवाज़ का होना जरूरी है, आवश्यक है। YouTube ने यह निर्धारित किया है कि कोई भी टैम्परिंग नहीं होनी चाहिए। यदि आप YouTube पे हैं तो आप फेस टू फेस आपकी आवाज़ होनी चाहिए, आपका फेस होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी शर्तें भी हैं जिसमें आपकी अगर ओरिजिनल आवाज़ है और फेस नहीं है तब भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लेने के बाद आपका चैनल रिव्यू में जाता है। चलिए मैं आपको ऑनलाइन और लाइव दिखाता हूँ कैसे रिव्यू में जाता है और क्या क्या प्रोसेस होते हैं वहाँ पे, कितने घंटे। YouTube में जो परिवर्तन किया है, जो बदलाव किया है, उसको देख करके काफ़ी लोग परेशान हैं, क्योंकि हर आदमी YouTube पे आता है कि हमारी कुछ अर्निंग हो, ऑनलाइन हम कुछ पैसे कमाएँ और अपनी लाइफ को एक नई दिशा दें। उसमें ये ज़रूरी है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए। मोनेटाइज का मतलब ये होता है कि आप पे ऐड आने लगे और आपको पैसे मिलने लगे। लेकिन यहाँ पे YouTube ने क्या किया, अचानक जो बदलाव किया है 2018 में, जो रूल रेगुलेशन दिया हुआ है, उस रूल और रेगुलेशन को देखते हुए चैनल को मोनेटाइज कराना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो लोग कहीं ना कहीं फेक करते थे, कॉपीराइट करते थे और कुछ न कुछ गड़बड़ करने का कार्य करते थे। लेकिन इस समय अगर ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत पैसे कमा सकते हैं आप YouTube से। YouTube ने जो नियम लिखा था, बनाया था, कि चैनल जो है मोनेटाइज तभी होगा जब आपके 4000, आप देख सकते हैं 4000 वाच आवर पूरे हो जाएंगे, ठीक है। 12 महीने के अंदर अगर 4000 वाच पूरे हो जाते हैं, घंटे 4000 घंटे पूरे हो जाते हैं, तो आपके चैनल को मोनेटाइज करने पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही उसने एक शर्त और रखा कि 1000 सब्सक्राइबर भी होने चाहिए, ठीक है। 1000 अगर ये दोनों क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका चैनल मोनेटाइज कर दिया जाएगा। लेकिन
अब क्या हो गया, आप यहां पे देख सकते हो कि वॉच टाइम है 8165 घंटे और सब्सक्राइबर्स हैं 5615, ठीक है। लेकिन यह भी यह चैनल अभी भी अकाउंट स्टेटस इन रिव्यू में शो कर रहा है, रिव्यू स्टार्टेड, वी विल ईमेल यू व्हेन योर चैनल इज अप्रूव्ड, यानी जब आपका अप्रूव होगा तब आपको ये मेल करेंगे। इन्होंने यहाँ स्पष्ट लिख दिया हुआ है कि हम आपको इसकी सूचना देंगे, 1 महीना या 1 महीना से अधिक टाइम भी लग सकता है। क्योंकि अब YouTube ने एक काम और किया है कि जैसे लोग क्या करते थे, रोबोट का इस्तेमाल करके वीडियो बना करके लगातार डाला करते थे, जिससे YouTube के एडवर्टाइजर पर काफ़ी असर पड़ता था। आपको मालूम है कि YouTube पैसे कैसे कमाता है, YouTube पर एडवर्टाइज के लिए उनके क्लाइंट आते हैं, वह एडवर्टाइज देते हैं और उसके एवज में आपको पैसे मिलते हैं। तो जब इस तरह की कई गतिविधियां होने लगी तो उनके एडवर्टाइजर कम होने लगे और फिर जो है इसका रेवेन्यू कम होने लगा, तो YouTube ने इस तरह का नियम लागू किया। अभी देखिए आपका ये चैनल जो है पूरा तो हो चुका है, 4,000 ये पूरा हो चुका है आपका 3 महीने पहले, 3 महीने पहले 8,000 समथिंग ये सब हो गए थे, सॉरी 4,000 हो गए थे और 4,000 के बाद से ये चले आ रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे 8,165 घंटे हो गए, लेकिन फिर भी चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। सब्सक्राइबर्स भी 1,000 के बजाय 5 गुना बढ़ गया, लेकिन फिर भी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। अभी क्या हुआ है, ये एक यूट्यूब ने क्या किया है कि उससे 2 बार रिव्यू कर रहा है, फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम में अगर पास आउट किया तो सेकेंड टाइम के लिए आपको वेट करना होगा। यहाँ मैंने एक और चैनल पे देखा था, जब 10,000 ये वॉच टाइम पूरा हो जा रहे हैं तब जाकर यूट्यूब उस पर आपका कंसिडर कर रहा है और उसे मोनेटाइज कर रहा है। तो अगर आप काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, केवल यूट्यूब के भरोसे आप न रहें, आप कोई और भी अपना बिजनेस आप करते रहें। यूट्यूब में अगर एक बार चैनल आपका मोनेटाइज हो जाएगा उसके बाद से आप पैसे अर्न कर पाएंगे, लेकिन इसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। यदि एक भी आपने कुछ गड़बड़ किया, कॉपीराइट स्ट्राइक किया या फिर कुछ गलत किया। दूसरी बात, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना लगातार देने लगते हैं कि मेरा ये वायरल है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज इस तरह का गलती कभी मत करिए, क्योंकि अब जो यूट्यूब है काफी सख्त हो चुका है रूल रेगुलेशन के, और उन लोगों को जो इस तरह के बैड एक्टिविटीज करते हैं उन लोगों के लिए वो बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है, उनका चैनल कभी भी अप्रूव नहीं करेगा वो। तो ये जो है बहुत जल्दी ही हो जाएगा, आप बिल्कुल इसकी चिंता न करें, बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। आप अपने वीडियो डालते रहें, निश्चित रूप से YouTube को इस बात को पता है कि वो आपका चैनल देख भी रहा है और आपको चैनल को मोनेटाइज करना है। क्योंकि भाई अगर वो नहीं करेगा तो क्या करे, करना तो है ही है, लेकिन वो देख रहा है कि जो बेस्ट हो उन्हीं को दे। तो जाहिर सी बात है आप ये जान भी चुके हैं कि बहुत से लोग YouTube से इस समय हट चुके हैं, क्योंकि अब उनके बस का काम करना नहीं रह गया है। कारण क्या है कि वो जो रास्ता अपनाते थे वो रास्ता सही रास्ते नहीं हुआ करते थे, अब जो रास्ता अपनाया जा रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद से आपका चैनल मोनेटाइज होता है और आप पैसे कमाते हैं। तो ऑनलाइन एक बेहतर ऑप्शन है, आप इसको लगातार करते रहिए, निश्चित रूप से आपका चैनल होगा। लेकिन इसके साथ साथ इस बात को ध्यान रखिए कि आप कभी भी किसी कॉपी स्ट्राइक मत करिए, इनवैलिड क्लिक्स का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है जब तक कि मोनेटाइज ना हो, लेकिन चैनल अगर मोनेटाइज हो जाता है तो अपने ही ऐड पर कभी भी आप क्लिक मन ना करें। अगर इन सब चीज़ों को आप फॉलो करते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, सक्सेस जरूर मिलेगा आपको। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई, चूँकि आप लोगों के जो मेल आए हुए थे मुझे, इसलिए मैं मुझे ये सब बताना पड़ा आपको। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में और इस तरह के